अब एक्टर लोग भी बहुत शिद्दत से करने लगे, मेहनत से करने लगे कि नहीं ये डबिंग का काम है लेकिन इसको अच्छे से करना है, हमें इस कैरेक्टर को अपना बनाना है, हमें कैसे इसमें जान डाल दें। और आप यकीन माने इतने सारे लोगों को काम मिल सकता है इसमें। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। हमारी हिंदी फिल्में अब ग्लोबली पहुंच रही हैं, विदेशों में पहुंच रही हैं, लेकिन अब हॉलीवुड की फिल्में यहां भी आ रही हैं और पहले से ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस पे सैकड़ों करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। उसकी वजह खास है और साफ है कि अब यहां पर उसको यहां की भाषा में डब किया जाता है तो ऑडियंस ब्रॉड हो जाती है, उनको समझ में आता है, क्योंकि अपनी भाषा से अच्छी बात कहीं और समझ में नहीं आ सकती। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। पहले जब फिल्में डब होती थी तो बड़ा टिपिकल था, उसमें इतने लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब से दौर बदला है फिल्मों की पकड़ बढ़ी है, क्योंकि भाषा को बहुत सरल तरीके से संजोया गया है। अब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है हॉलीवुड फिल्म के लिए, ये पूरी तरह से अडॉप्शन है और हिंदी में एक तरह से पिरोने वाला काम है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा टेक्निकल भी लग रहा होगा, लेकिन इसको आसान कर देता हूँ, क्योंकि इसको जो आसान कर रहे हैं, जो हॉलीवुड फिल्में आपको समझ में आ रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, उसके जो रचयिता हैं वो मेरे साथ हैं, मयूर पुरी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार, थैंक यू सो मच। ये जो एक नया एवेन्यू आया है खासतौर से राइटर्स के लिए, बहुत कमाल की चीज़ है कि पहले आप अपने क्रिएटिव चीज़ें को लिखते थे, अपने थॉट्स पे लिखते थे, अब हॉलीवुड की फिल्मों को आप एक जबान दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे भी इस काम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था और ना ही मेरे मन में इसके लिए कोई बहुत खास जगह थी कि इस तरह का काम भी होता है। मैं तो अपनी हिंदी फिल्में ही लिखता था, अपने हिसाब से ही काम करता था। फिर कुछ साल पहले जब डिज्नी वालों ने पहली बार मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि वो एक हिंदी फिल्म, मतलब एक अंग्रेजी फिल्म है जंगल बुक, जिसको हिंदी में डब करना चाहते हैं, तो मैंने कहा डब तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मैं उस तरह का ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए ये एक्चुअली हिंदी पिक्चर है। ओके। क्योंकि ये कहानी तो हमारे यहाँ की है ना। तो मैंने जब वो कहानी, मुझे बचपन से भी याद है जब हम लोगों ने जंगल बुक इस पे आता था, दूरदर्शन पे आता था, तो मुझे याद है चड्डी पहन के फूल खिलाया, जंगल जंगल बात चलिए, गुलजार साहब का कमाल का गाना था और वो सीरीज हमने देखी भी थी। मैंने कहा ये कहानी तो अपनी है, अपने टाइप की है, मतलब उसमें बल्लू है, बगीरा नाम भी अपने लगते हैं, ऐसा कुछ फॉरेन टाइप नहीं लगता है, तो ये कहानी शायद हिंदी में हो सकती है। तो मैंने वो फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में बकाया कभी कभी होती हैं, तो इसके साथ एक बार अपना नाम जुड़ना ज़रूरी है। तो ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा कि जंगल बुक हिंदी में बनी थी, मयूरपुरी ने उसका ट्रांसलेशन किया था या अनुवाद किया था, मगर मुझे अनुवाद से बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे लगता है आप जैसा लिखा है वैसा का वैसा अगर कॉपी कर दो अपनी लैंग्वेज में तो वो वर्क नहीं करता। तो मैंने उसको उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की कि इसको कैसे करना चाहिए ताकि ये बेहतर हो, और ये मुझसे पहले नहीं शायद किसी ने बहुत ध्यान दे के किया होगा, लेकिन जब मुझ पे ये बात आई तो मुझे लगा कि मैं इसको नए सिरे से ही लिखना चाहता हूँ। तो मैंने वो फिल्म देखने के बाद में एक उसका ट्रीटमेंट नोट बनाया, जिसे कहते हैं, मतलब कि मैं अगर इसे अडेप्ट करूँगा तो ये चीज़ें चेंज करूँगा, ये ऐसा ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे उसमें एक है कि रेड फ्लावर, तो मैंने कहा मैं रेड फ्लावर को रेड फ्लावर नहीं करूंगा, मैं उसे रक्त फूल ऐसा नाम दूंगा। क्यों, उसका रीज़न है, अगर हम आगे बात करेंगे वो सवाल निकला तो मैं बताऊंगा, बट कुछ रीज़न है उसके पीछे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो मैं करना चाहता था, जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, जो घुमा के कही गई है, इमोशन का ट्रांसलेशन है, तो वो मैंने उसकी लिस्ट बनाई और उन्हें दी कि मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, यदि आपको मंजूर है, अगर आपको मंजूर है ये इस तरीके से अडेप्टेशन करना तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने, शायद किसी को अच्छा लगा डिज्नी में, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, आप कीजिए। और फ़र्क उसका ये पड़ा कि जंगल बुक हिंदी वर्जन ने कुछ 180 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में, जिसमें से हिंदी वर्जन 50% से अबव है। मैं तो भालू की मदद कर रहा हूँ सर्दियों की नींद के लिए। जंगली भालू सर्दियाँ सो के नहीं काटते। पूरी सर्दियाँ तो नहीं, पर मैं झपकी हाँ तो बहुत लेता हूँ ना। तो जो इससे पहले किसी फिल्म के इतिहास में, जो हॉलीवुड के एनिमेशन फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, मतलब इसका 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ था किसी फिल्म का, उतना बड़ा बिजनेस में फर्क आया। तो मुझे लगा ये काम अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात मुझे जो खुशी हुई करके, वो जब मुझे ऑडियंस का प्रतिभाव मिला, जो मुझे ईमेल्स मिले या मुझे जो लोगों ने फेसबुक पे लिख के दिया या मैसेंजर पे लिख के दिया या ट्विटर पे लिख के दिया, सबने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें अपनी कहानी लगी, हम 5 मिनट के बाद भूल गए कि ये अंग्रेजी फिल्म है और बहुत बहुत मज़ा आया और आप ऐसे ही रोचक काम करते रहिए। तो तब से जो शुरुआत हुई, अब 3 साल में 13 फिल्म कर चुका हूँ। कितनी फिल्में हो गई, कौन कौन सी? लगभग 13 हो चुकी है मेरे ख्याल से, मेरे को सारी की सारी याद नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। जंगल बुक से शुरुआत की थी, उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फाइंडिंग डोरी, मोआना, एंग्री बर्ड्स द मूवी पहली वाली,
थॉर रैग्नारोक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, लायन किंग, और अब जो हाल ही में आ रही है मैलेफिसेंट मेड ऑफ मिस्ट्रेस ऑफ ईविल. और मैलेफिसेंट अभी आने वाली है, बिल्कुल ये फ्राइडे को. रुइन माय मॉर्निंग. जो हमारी रिलीज होने वाली होती है तो एक्साइटमेंट होता है. हाँ. ऐसा इसमें भी होता है? आप देखिए ना, मैं तैयार व्यार होके बैठा हूँ बिल्कुल. मैं बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छी फिल्म बनी है, अंग्रेजी में भी बहुत अच्छी बनी है और हिंदी में भी उसका जो अडेप्टेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है. ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं जिन्होंने मैलेफिसेंट का किरदार निभाया है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. बहुत अच्छी आवाज दी है, बहुत अच्छे तरीके से उस किरदार को निभाया है. सबने मेरा प्यार देखा है, अब देखेंगे मेरा गुस्सा. बाकी की जो कास्ट है उन्होंने भी सबने जान लगा के काम किया है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बन गई है. ओके. पहले ये होता था कि डबिंग को, वॉइस एक्टिंग को थोड़ा सा द्वयम दर्जे का माना जाता था. हाँ. लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की पसंद बढ़ी है तो अब उसमें भी एक स्टारडम आ गया, एक कास्टिंग होने लगी, कास्टिंग वर्ड यूज होने लगा. बिल्कुल बिल्कुल. और अब जैसे आपने कहा ऐश्वर्या राय ने किया है और अभी लॉयन किंग में शाहरुख ने किया. बिल्कुल. तो ये जो बड़ा है सबका इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, इसके पीछे क्या रीजन है? एक मेरा सिंपल सा लॉजिक है, एक बहुत आसान सी बात है कि आप जिंदगी में जो भी करें वो आला दर्जे का करें, मेहनत के साथ करें. जब आप ये करते हैं तो लोग नोटिस करना शुरू कर देते अपने आप. आज मैं आपको बताऊं, 3 साल से मेरी एक बॉलीवुड रिलीज नहीं आई है. जो मैं ओम शांति ओम का राइटर हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर, ABCD, ABCD 2, फालतू मेरे यार की शादी है, एक से एक हिट फिल्मों में मैंने काम किया है. मगर वो सब छोड़ के 100 गाने लिखने के बाद अब मैं ये हॉलीवुड की फिल्मों का अडेप्टेशन कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने कहीं मुझे ये कमी खलने नहीं दिए. आज भी मुझे लोग याद करते हैं, पार्टीज में बुलाते हैं, आज भी मुझे प्यार से रिस्पेक्टफुली जो एक राइटर का दर्जा होना चाहिए वो देते हैं. तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ. राइट. ये इससे फर्क पड़ता है कि मैं, बिल्कुल सही, क्या बात है वीरेंद्र जी, एग्जैक्टली कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत से कितनी शिद्दत से कर रहा हूँ. तो मैं ये अडेप्टेशन का काम इसको, और अब एक्टर लोग भी बहुत शिद्दत से करने लगे, मेहनत से करने लगे कि नहीं ये डबिंग का काम है लेकिन इसको अच्छे से करना है, हमें इस कैरेक्टर को अपना बनाना है, हमें कैसे इसमें जान डाल दें. तो ये पूरा जो एक नया फील्ड खुला है, और आप यकीन माने इतने सारे लोगों को काम मिल सकता है इसमें. Right. राइटर्स को. अब जैसे टेलीविजन की अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको नाम नहीं बता सकता लेकिन नेटफ्लिक्स का एक शो है, उसका पूरा हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूँ. मेरे साथ एक पूरी टीम है, इतने सारे राइटर्स को उसमें 93 एपिसोड्स काम कर हमें करके देना है. ओके. और इतना सारा काम है. Oh, और okay. कितने मजे की बात है कि यही राइटर्स यही दूसरी जगह पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन कॉन्टेंट तो है ही और ट्रांसलेट तो करना ही पड़ेगा कोई ना किसी ना किसी को. तो ये बहुत अच्छा स्कोप खुल रहा है, एक बहुत नया मार्केट खुल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है बहुत. और इसमें वॉइसिंग आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, डबिंग स्टूडियोज के लिए, रिकॉर्डिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब जो लोग सपना संजो के आते हैं कि मुझे बॉलीवुड में बॉलीवुड राइटिंग करनी है, फिल्म राइटिंग करनी है, लेकिन अभी वो अपने सर्वाइवल दौर से गुजर रहे हैं. बॉलीवुड फिल्म मेन गोल हो सकता है लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट करियर पैकेज है. बिल्कुल हो सकता है लेकिन इसमें कई सारे टिक बॉक्सेस हैं. okay. देखिए आप अपने मन से फिल्म लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप गॉड हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऐसा है कि मतलब अपना बच्चा पालना और एक पालना घर चलाना. okay. ये वैसी वाली बात है. तो ये किसी और का बच्चा है, किसी और का थॉट है, किसी और फिल्म में करने, किसी और देश में बनाया है. अब आप उसको कैसे अडाप्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो भावना है वो तो अपने ऑडियंस के साथ जुड़ी हुई है. तो मेरी भावना हिंदी ऑडियंस के साथ जुड़ी है कि मेरा जो ऑडियंस है, जो हिंदी समझते हैं, देखते हैं, जिन्हें हिंदी फिल्में पसंद है, उन्हें ये कैसे पसंद आए. okay. मैं ऐसा क्या करूं कि उन्हें मजा आ जाए. मतलब इंडियन सेंटीमेंट और इमोशंस को ही आप मेन रखते हैं. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी वर्ड्स ट्रांसलेट, मैं शब्दों का भाषांतर नहीं करता हूँ, मैं इमोशंस का भाषांतर करता हूँ. मैं ट्रांसलेट करता हूँ इमोशंस को. अगर आप इमोशन ट्रांसलेट कर पाएंगे उसके लिए दोनों भाषाओं को समझना जरूरी है, दोनों भाषाओं के लिए रिस्पेक्ट होना जरूरी है, दोनों कल्चर्स को समझना जरूरी है. और फिर वहाँ पे अगर ऐसा होता है तो यहाँ क्या हो सकता है, उसी तरह का क्या, उस तरीके का क्या हो सकता है, क्या पैरेलल मैं ढूंढ सकता हूँ. ओके. वो ढूंढना, अगर ये कला आप में, ये एबिलिटी आप में है, दोनों कल्चर को समझना, दोनों भाषाओं को समझना, दोनों के लिए उचित इज्जत होना और फिर एक से दूसरे में उसको लेके आना. ओके. ये अगर आप कर सकते हैं तो आपने जब फिल्में लिखी तो बड़े बड़े स्टार्स और सुपर स्टार्स के लिए लिखी. जी. अब जब आप ये अडॉप्शन कर रहे हैं और हिंदी में लिख रहे हैं तो भी बड़े बड़े स्टार्स उसमें वॉइस कर रहे हैं, और बॉलीवुड के जब टॉप पे चले गए तो हॉलीवुड में जाना था, तो हॉलीवुड जाने के लिए लोग तरसते हैं लेकिन मयूर भाई ने एकदम से जंप लगाया और सारी फिल्में, 13 फिल्में ले ली, 13 फिल्में 3 साल में. हाँ. तो ये जो हॉलीवुड लेवल लगा है ये कैसा लगता है? चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, कंपनी क्या देखती है भाई, कौन मुझे पैसे कमा के देगा. हॉलीवुड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं. okay. आज अगर हॉलीवुड मेरे पास में आ रहा है सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मेरा ऑडियंस मेरे साथ.
ठीक है, चूंकि जो हिंदी देखना पसंद करते हैं, हिंदी भाषा समझते हैं, हिंदी फिल्मों को समझते हैं, हिंदुस्तानियत समझते हैं, हमारे कल्चर की जो रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और जिनको अपने इससे प्यार है और वो थिएटर में जाते हैं, जब तक वो देखेंगे और उनकी टिकटों के पैसे से हॉलीवुड कमाएगा और हमें भी देगा, तो मुझे, मेरे लिए हॉलीवुड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मेरे दर्शक। मैं इंडिया छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है, लेकिन हाँ अगर वहाँ से कॉन्टेंट आ रहा है तो मैं उसको भी इंडियन कर दूंगा। इंडिया में अगर आप आ रहे हैं, चाहे आप हॉलीवुड से हो, चाहे आप चाइना से हो, चाहे कहीं से भी हो, आप हिंदुस्तानियत अगर नहीं समझेंगे और यहाँ के ऑडियंस को आप नहीं दे पाएंगे तो मिथ्या है, फिर कोई मतलब नहीं है आपके आने का, फिर सक्सेस है ही नहीं, कोई सक्सेस नहीं। ओके, राइट। आज हॉलीवुड कदर कर रहा है इसलिए कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियंस को समझता हूँ, समझते हो, वरना उनको क्या है, उनको देखिए बहुत सिंपल बात है, उनको पैसे से मतलब है, जो बॉक्स ऑफिस में चल रहा है वो उसको पैसा देगा। ग्रेट। अच्छा, जब हम इस तरह की फिल्में लिखते हैं जैसे कि जंगल बुक हो गया जी, या फिर लॉयन किंग हो गया, अब ये है तो एडॉप्शन, लेकिन इसमें फिर भी बच्चों की एक खास ऑडियंस है, और उसके मजे के लिए भी बड़े आपने छोटे छोटे चुटकुले वाले डायलॉग रखे और पंच वाले रखे, कुछ करेक्टर के आपने ऐसे मैनरिज्म रखे कि उनको पसंद आए, तो ये कितना चैलेंज हो जाता है इसमें? बताना चाहूंगा इसमें दो तरफा बातें हैं, एक हमारा योगदान है, मतलब यानी कि मेरा लिखने का, और जो डिज्नी की टीम है उन लोगों का जो क्रिएटिवली वो लोग जो हेल्प करते हैं, काम करते हैं मेरे साथ उसका, उसके अलावा जो डबिंग डायरेक्टर्स हैं, जो मोना शेट्टी जो इसकी डबिंग डायरेक्टर थी और उनकी जो टीम है कल्पेश है, ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है डिज्नी की तरफ से, अनिकेत है, राजेश है, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो बहुत अच्छा अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं, काम करते हैं, तो ये भी टीम वर्क होता है, ये भी टीम वर्क। तो मैं चार ऑप्शन अगर किसी डायलॉग के दूंगा कि देखो ये कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि चुनना है सही वाला कौन सा है, तो ये एक हिस्सा है, स्क्रिप्टिंग तक बनाना और उसको निभाना वो एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इसका एक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि शाह सर ने आके लायन किंग में, आर्यन ने, या श्रेयस तलपड़े ने, आशीष विद्यार्थी ने, संजय भाई ने, इन्होंने जो जान डाली है किरदारों में वो एक अलग लेवल का फेथ होता है। जैसे जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इस फिल्म को डब करना, तो मैंने टिमोन और पुम्बा यानी कि संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े के जो कैरेक्टर हैं उनको मैंने थोड़ी बम्बैया भाषा दी है, तो उसका रीज़न है कि अगर आप फिल्म देखें तो फिल्म में वो जो किरदार है वो ऐसी जगह से आए जहाँ पे मिली अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग स्पीशीज के लोग हैं, तो ऐसा मिलाप जो होता है अलग अलग तरह के लोग वो शहर में होते हैं, तो बॉम्बे में है, इंडिया में अगर उसका पैरेलल आप ढूंढें तो, तो मुझे लगा इनको बम्बई, और वो स्ट्रीट स्मार्ट है क्योंकि गली बॉयज जैसे हैं, वो सड़क पे उनको फेंक दिया गया है, वो आउटकास्ट है, अंग्रेजी में आउटकास्ट वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी वर्जन में वो बोलता भी एक डायलॉग में कि यार अपन लोग फालतू है, अपन लोग फालतू है, क्योंकि उनको मेन जो किंगडम है रियासत में लिया नहीं गया, वो बाहर जी रहे। लेकिन संजय भाई का कहना ऐसा था कि यार मैंने बड़े ये बम्बैया टाइप के कैरेक्टर किए, और एक्चुअली वो बम्बैया बिल्कुल नहीं है, उनकी भाषा बड़ी ही शुद्ध अच्छी हिंदी है, देसी भाषा है, तो उनका थोड़ा ये था रिलक्टेंस कि मैं ये करना है क्या, क्या मैं सीधा सीधा नहीं कर सकता या हिंदी नहीं कर सकता या ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे डबिंग टीम ने बताया कि संजय भाई ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कहा प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक कारण है कि इस कैरेक्टर को ये कलर क्यों दिया है, और उनसे कहिए प्लीज़ कोशिश करें, अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये उनका फेथ है संजय भाई का कि उन्होंने कहा ठीक है अगर आप ऐसा चाहते हैं मैं ऐसा करता हूँ। अच्छी आइडिया है, भूखा लोग ताजा मांस देखते ही बैठ जाएंगे, इतनी अच्छी डबिंग, बड़ा निखर के उन्होंने श्रेयस तलपड़े का काम लायन किंग में देखने लायक है, उन्होंने जिस तरह से एक बॉडी को आदमी यूज करता है, एक वॉइस आर्टिस्ट अपनी बॉडी को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसको जो कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ में, जैसे उसमें वो मीर कैट का कैरेक्टर है, वो जो कर रहे हैं वो मीर कैट का कैरेक्टर है टिमोन का, तो टिमोन जो है वो बात करते करते ऐसा बोल रहा है कि या व्हाट एवर योर प्रॉब्लम इज टेल मी नाउ, ऐसे करके अपना कान हिलाते हिलाते वो बोलता है। आप देखिए श्रेयस ने उसके एक एक बॉडी मूवमेंट के साथ मैच करके बोला है कि हाँ छोटे बोल दे अभी तेरी क्या प्रॉब्लम है, चल जल्दी बोल डाल। अरे ये शेर नहीं हो सकता, चल अपन देख के बता दे, चले हवा आने दे, देखे तो क्या बोल रही है पब्लिक, ऐसे उन्होंने जो मैच किया है मैजिक, तो मैं कहता हूँ ये मैजिक, ऑफकोर्स लिखना तो जरूरी है, या वो मुझ जैसा राइटर है तो आएगा अपना कुछ भी कमाल करने की कोशिश करेगा, दो पैसा अपना डालेगा, लेकिन चार पैसा एक्टर का, चार पैसा डबिंग डायरेक्टर का, और जो प्रोडक्शन कंपनी, आप देखिए जो डिज्नी के अडेप्टेशन है वो आई एम सॉरी टू से बट वो डिज्नी के ही है, वो दूसरी कंपनियां उस लेवल पे नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही, तो ये एक टीम होती है, एक टीम, मैं तो कहता हूँ ये सबका काम, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को इंस्पायर करता हूँ मैं अच्छे लोगों को इकट्ठा करता हूँ और सबको मेहनत करवाता हूँ, बाकी ये टीम वर्क है। ओके, तो एक्टर्स को भी कई बार इस बात से फर्क पड़ता है कि राइटिंग कौन कर रहा है? आई थिंक एक्टर को कैरेक्टर से फर्क पड़ता है कि मेरा किरदार क्या है, अगर उनको अपना किरदार अच्छा लगता है तो वो करना चाहेंगे, बाकी मेरा काम क्या है जो
ओरिजिनल किरदार लिखा गया है अंग्रेजी में, उसको हिंदी में अच्छे तरीके से निभाना, अच्छे तरीके से लिखना, पर्दे पे उतारना और एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करना, एक ऐसा जोन क्रिएट करना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें वो एक्टर हंसी खुशी खेल के अपना काम कर सके और अपना पूरा टैलेंट दिखा सके। मुझे सिर्फ वो जगह, मुझे मैदान साफ करना है, मैं झाड़ू वाला हूँ, मेरा काम यह है कि मैं एक्टर के लिए झाड़ू मार के मैदान साफ कर दूँ, सर अब आप खेलो खेलो। तो ये जो समझ सकते हो, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। तो एक और चीज पूछनी है बस लास्ट मुझे, ये जो एक तरह से अभी सिनेमा का टाइम चल रहा है, हर तरह का काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है और जो भी करना चाहता है उसके लिए अब पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है अगर वो सही तरीके से प्रोफेशनली अप्रोच रखता है तो। इसको आप कैसे देखते हैं ये जो नई? अगले साल थोड़ा केयरफुल रहना होगा इंडस्ट्री को, अब कंटेंट इतना ज़्यादा अलग अलग दिशाओं से आने लगा है ऑडियंस के पास, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से और ये सब, ऑडियंस की डिमांड बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है। पहले के ज़माने में हम जब बचपन में पिक्चर देखने जाते थे तो पिक्चर देखने का जो एंटरटेनमेंट की शाम की शुरुआत होती थी वो घर से हो जाती थी, उसका देखने का एक्साइटमेंट, भाई घर जा रहे हैं, रास्ते में क्या हुआ, वहाँ थिएटर पे पहुँचे, फोटो सेट्स देखे, बड़ा एक्साइटमेंट, फिर पिक्चर देखी, पिक्चर अच्छी लगी नहीं लगी, एक चीज़ भी अच्छी लगी तो चलता था, फिर बड़े हंसी खुशी फैमिली के साथ बात करते हुए, टाइम पास करते हुए, झगड़ते लड़ते बातें करते घर आते थे। तो 100% जो एंटरटेनमेंट उस शाम का होता था वो उस 20 रुपए के टिकट पे डिपेंड नहीं करता था, राइट, हम खुद एंटरटेन हो जाते थे। आज आदमी अकेला बैठ के कंटेंट देख रहा है गाड़ी में जाते जाते, तो अब कंटेंट कंज्यूम करने का जो तरीका है वो बहुत चेंज हो गया है। तो अब जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अच्छा कंटेंट लेके आए, लोग उसको पकड़ के रखें, उसे उन्हें समझ में आए, और थोड़ा मुश्किल होने वाला है अगले साल दो साल में। इवन ओटीटी पे अभी जो लोग मतलब भर भर के शोज बना रहे हैं अभी उनको थोड़ा संभलना पड़ेगा समझना पड़ेगा, थोड़ा बिल्कुल कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों से कंपटीशन है, यूट्यूब पे कमाल का काम आप लोग कर रहे हैं, इतने कमाल कमाल के शोज बना रहे हैं, और आज आदमी को इतनी चीज रियलाइज हो गई है कि मेरी लाइफ इतनी है, तो ये जो मेरी पूंजी है वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी है, ये मैं फालतू में खर्च नहीं करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा एक मिनट देखूंगा वरना छोड़ दूंगा, स्क्रब कर दूंगा, निकल जाऊंगा। तो हमारे लिए और मुश्किल होने वाला है। अच्छी बात यह है कि अच्छा कंटेंट हमेशा सरवाइव करता है, तो अच्छे के पीछे लगे, अच्छे के पीछे लगे रहो। मुझे किसी बॉलीवुड के ही किसी स्टार ने कहा था कि मयूर तुम ये हॉलीवुड की पिक्चरों को अडेप्ट करना तुमने शुरू कर दिया है, ये तुम जो अडॉप्टेशन का काम हॉलीवुड से कर रहे हो तो इससे बॉलीवुड को खतरा है। तो मैंने कहा भैया अच्छी फिल्म से बुरी फिल्म को खतरा है और किसी को खतरा नहीं, अच्छा काम करो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बुरा काम करोगे तो खतरा ही खतरा है, राइट, बस यही। थैंक यू माय भाई, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो ये थे मयूर पुरी जी, आज हमने बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट पे, एक नए सब्जेक्ट पे जो कि ऑडियंस के लिए भी बिल्कुल नया है, लेकिन बातें बहुत खास खास और बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि काम जो भी करें उसको इतने बेहतरीन कमाल तरीके से करें कि आपकी जगह अपने आप बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जगह बनाते हैं, किसी को बदलते नहीं, किसी की जगह रिप्लेस नहीं करते, अपनी जगह खुद बनाते हैं। दूसरी बात ये कि हर काम में अच्छाई होती है, उसके परसेप्शन पे ना जाएं कि डबिंग का काम है, इसका काम है, अगर आप अपनी जान लगा देंगे तो उसमें जान आ जाएगी और वो फिर ऑडियंस अपने आप बन जाएगी। बड़े बड़े एक्टर भी अब ये देखने लगे हैं कि कौन लिख रहा है, इसका मतलब साफ है कि अब राइटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ पर चैलेंज भी बढ़ने वाला है, तो आपको खुद पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है और अलर्ट रहना है अगर अपनी ऑडियंस आपको अच्छे से चाहिए तो। दूसरी बात एक बहुत अच्छी लगी, मैं आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ। नॉर्मली जब भी हम हॉलीवुड की बात करते हैं, हॉलीवुड की राइटिंग की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनसे ही इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा हिंदुस्तानियत, ये हिंदुस्तानियत रहेगी, मतलब उन्होंने अपनी जो देसी चीज़ें हैं, अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो सेंटिमेंट हैं, उनको पिरो के जब उस फिल्म में डाला तो आर्टिस्ट को भी करने मजा आया और हमको तो आया ही आया। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।